अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्ट्रेस में। मेरे सब बड़े होंगे, खुश होंगे, चाहिए मूड में होंगे। मैं प्रकाश कुदरत और आप लोग के लिए पाकिस्तानी गोस्ट हंटर द वन एंड ओनली केरी मिनाटी की वीडियो आई है। आज ही रिलीज हुई एक्चुअली। मैं तो सोचा ये हंटर क्या होता है, गोस्ट हंटर। जो आपने शायद वीडियोस देखी हो यूट्यूब पे आ रहे थे, कुछ यूट्यूबर होते हैं कि एक सुनसान जगह पे चले जाते हैं, देखो गोस्ट है वहाँ पे, कुछ ना कुछ पे क्या देखो यहाँ पे गोस्ट है। सर कुछ वीडियोस आती है मैंने देखी हुई। इसका मतलब क्या है, आप पता नहीं कहाँ चले गए। चलो गोस्ट, गोस्ट जो है बला को बोलते हैं, बला मतलब जिन वगैरह। हाँ, उसको शिकायत की शिकारी, पाकिस्तानी गोस्ट हंटर, शिकारी हंटर्स को शिकारी बोलते हैं। चलो तो इसकी वीडियो देखते हैं। वीडियो है क्रिमिनेटी ने फिर से इसी तरह से मेरे ख्याल से उनका काम किया हुआ है, होस्टिंग किया होगा, खैर कहते हैं वीडियो को हंटर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हो। तो देखते हैं भाई साहब डिस्क्लेमर। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हारे घर कोई शैतानी रू आ गई तो तुम किसको बुलाओगे? घोस्ट हंटर्स, पाकिस्तानी घोस्ट हंटर्स। ये देख ये वाले निकल 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 निकल। लेकिन सबसे ज्यादा भूतों से उन्हीं की फटती है, इनके कान में फूंक भी मार दो। और मुझे नहीं पता था पाकिस्तान में भूतों की इतनी वैरायटी है। बेबी फादर ऑफ घोस्ट, वैसी औरतें वैसी चुड़ैल, यहाँ तक कि ज़ॉम्बी ने भी अटैक कर रखा है। रुको, जैन ऐसे नहीं करो, रुको इधर। कमीज के नीचे चड्डा पहन रखा है, वैसे ज़ॉम्बी अड्डे के बाहर मिल जाएंगे। बिग फुट येटी फाउंड इन पाकिस्तान। बिगफुट दिखाई दिया, मोदी जी ने दिखाई दिया तुम्हें। अरे वो भी है। चुपाकाब्रा फाउंड इन लाहौर। अच्छा, चुपाकाब्रा क्या? भूत क्या चुपा मार के जाएगा तुम्हारा? आज हम पता लगाएंगे कि क्या उस काले साए में कुछ होता है या नहीं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी वक्त। अच्छा, शुरू होने वाला है, चलो ठीक है। पास भी आ गया। अरे क्या कर रहे हो चुपाकाब्रा भाई? जो भी कर रहे हो करते रहो। अच्छा, यहाँ से लोग जब गुजरते थे ना खौफ सदा हो जाता। अच्छा, कुछ महसूस होता है ना? मुझे कुछ ऐसे लगा है कि किसी ने मुझे पकड़ के खींचा है। इनकी पर्सनैलिटी पैरानॉर्मल है, हवा नहीं चल रही है, कोई इन्हें खींच रहा है, हार्ट अटैक नहीं आ रहा है, कोई इनकी छाती पे नाच रहा है, इस्तमा का मरीज होगा उसको जिन घोषित कर देंगे। इस जगह का विजिट करना चाहते हैं आपका कोई बच्चा, कोई फैमिली मेंबर? इतनी घमासान गांड फट रही है तो कर क्यों रहे हो? हर दो सेकंड में एहसास और महसूस होना शुरू हो जाता है। और पकचोदी देख लो, तीनों अलग दिशा में देख रहे हैं। और जो साइड में शूरवीर फीमेल घोस्ट हंटर है, वह विमेन एम्पावरमेंट की मिसाल बनना चाहता है। ये तो है, ये तो है, ये तो बनना पड़ेगा जिससे। ठीक है, ठीक है। क्या हुआ? जल्दी से शो खत्म करते हैं। हो गया नाइट आउट, एक्टिविस्ट से मंत्री बना दे। भूत दिखाई भी नहीं दिया है, ऐसे कौवे मारने वाली चीखें मार रही है। भूत पकड़ने के लिए डांट कौन ले जाता है? ये क्या चीज है? ये कौन दुबई से भागा हुआ मजदूर है? दुबई से भागा हुआ क्या डटराएगा? सहमा हुआ लग रहा है, स्टंटर की आवाज है, सुन लो, ऐसा लग रहा है कोई गुड्डा सेक्स कर रहा है। अच्छा, ये है। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तो इनकी जमीन है। कौन कहता है ये मेरा घर है? और यहाँ पे मेरे बच्चे खेल रहे हैं। ऐसे कैसे खेल रहे हैं? है कि रैपर दुनिया को हम जैसे तैसे झेल रहे हैं। यहाँ पे मेरे बच्चे खेल रहे हैं। रहूंगा वही है तू जहाँ पे। चले जाओ, मेरे बच्चे हैं यहाँ पे, हम चले जाएंगे। आप बताओ क्यों रहते हो यहाँ पे, क्या वजह है? ये मेरा घर है, ये तो इनकी जमीन है। भूत के कान कमजोर हो रखे हैं, मरने के बाद अपाहिज बन जाओ तो भूत बनने का फायदा क्या है? ऐसी बात नहीं मानेगा। चिल्ला रहा था तो भूत के कान कमजोर थे, अब जब वो खुसर पसर कर रहा है तो अगले का शरीर भस्म हो रहा है। अरे भूतनी के भूतों की इज्जत डुबा रहा है। तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या लोगे यहाँ से हमसे? दो भैंसों का गोश्त चाहिए। नहीं, मुझे 50 भैंसों का खून। नहीं, 50 भी चाहिए, के पास इतना पैसा नहीं। मुझे लगा ये भूत पकड़ने आया। 50 भैंसे चाहिए, वो स्टंटर प्रॉपर्टी डीलर भी है। अच्छा, उसे 50 पे ले आया और उंगली ऐसे हथियार की तरह दिखा रहा जैसे गोली मार देगा। जरा सोचो,
जब सब रात को घोड़े बेच के सो रहे हैं लोग नहीं है किसी कोने में ऐसी भेड़ी नौटंकी चल रही है। नहीं मत पढ़ो राज सुनो। हाँ एक भैंस भी नहीं, सिर्फ तुम्हें एक बकरा यहाँ पे, क्या ये कबूल है आपको? एक भैंस भी नहीं, बकरे की तरफ आ गए हो रहे हैं जमीन का जो डील हो गई। डील हो गई सस्ते बिकाओ लोग नहीं पसंद। तो आप पे फोर्स लाया है दिवाली सेल, जो पूरा रिसाइकल प्लास्टिक से मैन्युफैक्चर है और इनके सारे प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया है। जाके लो बे, तो कहते हम सस्ते बिकाओ लोग, तुम जा सकते हो, जाओ निकलो। कुत्ते की तरह भगा दिया, अब तो दया आ रही है अगला प्लीज और कह रहा है। अच्छा हुआ ये भूत है, वरना इतनी बेइज्जती के बाद जिंदा कौन रहना चाहता है? तो बच्चों हमें इस वीडियो से क्या शिक्षा मिलती है? तो फिर कैसा अपने करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। देखो नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है ना। हम करते हैं दूसरे गोष्ठ। ऐसे थोड़ी मिलेगी मुक्ति, इन भूतों से सही में डर लगने लगा है। आज टांग उठाइए, कल को घोड़ी ना बना दे। धोखेबाज भूत है, विक्टिम कार्ड खेल रहा है और गोस्ट हंटर भी तो घड़े बकचोद हैं, भूत के साथ कबड्डी खेल रहे हैं। कबड्डी तो होगी भाई। चल 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 अपनी बारा बुक हमारे साथ चलो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। पहले ये घोष हंटर थे, अब ये कानून बन गए हैं। सप्तर्षि हंडल हो, खुफिया अड्डे पे जाकर दाऊद थोड़ी पकड़ रहे हो, खंडरों में काला सपोला पकड़ा जा रहा है। कानून नौकरी चौकीदार की इज्जत सीबीआई वाली चाहिए। अच्छा काला जादू नहीं करता, ये खुद काला जादू है। एक तो बाल के नाम पे जो फसकरी झाटे लटका रखी है ना, अगले को किलो से ज्यादा सकल छुपाने की टेंशन है। ओ पकड़ ले, लेकिन डर का सामना करने वालों की फटके चार नहीं होती और गांड में उंगल करने वालों की कभी हार नहीं होती। ले जा रहे उसको, बकवास की वीडियो बनाते हैं भाई। पाकिस्तान में भूत से बढ़िया तो बकरे की जिंदगी है, ऐसी रगड़ा देख के तो मुजरिम भी साधु बन जाए। क्या दोगे इसे पैसे? ऐसे दोगे संग फेस नहीं दिखाते हैं कितने, ये देखो दो करोड़ कितनी चाहिए अपने को? साले खंडर में रह रहा है, 2 करोड़ के बाद भी मान नहीं रहा है। जैसी इसकी हालत है ये शरीर के सारे पुर्जे बेचने जाएगा, तब फिर 5 लाख से ऊपर की कहानी नहीं है, उसमें भी 50 बीमारियां निकलेंगी। तो बच्चों इस वीडियो से हमें क्या शिक्षा मिलती है? चाहे हो या इंसान, पकड़ा तो गरीब ही जाता है। ओके खैर हम ये भी देख लेते हैं हमारे यहाँ की घोस्ट हंटिंग कैसी है। क्या नाम है? चार्ली जोनी पीटर लड़ा लगता है, पढ़े लिखे हैं तीनों के स्प्रे का लगे हमारे वाले का। अच्छा ये है कि घर में 1000 शिक्षा केंद्र और खुल जाए, लेकिन जब आगे लड़ना तो सरकार भी क्या करेगी? भाई चलो 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 निकलते हैं। भाई चलो, चलो भाई चलो। एक्चुअली हुआ क्या मैं समझ नहीं पाया, सारे भागे लेकिन को पता ही नहीं है भागा क्यों। सारी दुनिया जान की बुद्धि नहीं क्यों दे रखी है, ये इतने होशियार नहीं लगता। इलोन मस्क किसी रॉकेट का नाम है, मैं समझ नहीं पाया यार। बंद करो ये कमरे बमरे, बंद करो कमरे बमरे। अरे दीदी कैमरा होता है, ए भगवान बच्चे की ट्यूशन भी नहीं लगवा सकता, अध्यापक अपने गोली मार लेगा। इंसान के शरीर में चूहे का दबाव दे रखा है और कैमरामैन देख लो कतई चिल बैठा है, क्योंकि उसकी आंखों ने जो घनघोर चूतियापा देख रखा है ना, अब उसे फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ मैं नहीं चाहता कोई स्पिरिट हमारे साथ हमारे स्प्रिट तेरे घर जाना चाह रही है, तेरी गाड़ी में छलावाना बैठे भूत तो बहुत दूर की बात है। अगर इसके घर मुक्ति भी मिल रही है ना तो गांड मरा है मुक्ति। तो बच्चों हमें इस वीडियो से क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा की ही तो कमी है। बस भैया बस मुझे मुक्ति दे दो, मेरी स्प्रिट बेचैन हो रही है। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, वरना इस्तेमाल करो बे। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे। यस आप लोग भी अभी कभी। अरे तो फिर अभी तो 9 मिनट समझ रहे हो, समझ गए।
40 मिलियन करवा दे वरना इसके चूपे नहीं रुकेंगे। ठीक है भाई, बुरे की क्या बात है, इसमें आप देखो जो भी मन में है मैं तो बता देता हूँ। अब तुम बता नहीं क्यों बताती हो अभी, क्या भी जो भी नहीं है। अच्छा ये लो फिर आ गए, छोटे होते हैं लेकिन मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे नहीं पता मैं करता हूँ। अच्छा क्या बोल रहे तनी, क्या सीन था भाई लास्ट में समझ नहीं आया, लास्ट तो कुछ और भी ऐड किया हुआ था। अच्छा तो ये था केरी साहब का वीडियो जो कि बहुत टाइम बाद आई थिंक मेरे ख्याल में इसका वीडियो आया हुआ है, बहुत टाइम बाद आई है, आजकल ही बिजी भी हो रहा है, आजकल जो है भी आ रहा है इसका। तो अच्छा वो अक्षय की एक मूवी थी, क्या नाम था, रनवे अजय का था, रनवे में भी था ये, मूवीज में भी कास्ट आ रहा है इसकी। और उसी बात ये कि गुजरा ये वीडियो मैंने देखी थी, दूसरी पता चला कि ये फेक है, इनका और भी अच्छा सा रोस्टिंग करना चाहता बस ये अपने बस। खैर कोई भी लोग जो है कमाते हैं किसी ना किसी तरीके से, उनको चाहिए पैसे, चाहे जैसे भी वो पैसा आना चाहिए, बट ये है कि उन्होंने जो इस रिएक्शन किया था वो सब कुछ जो है इतना फेक भी नहीं बनना चाहिए भाई, थोड़ा बहुत रियल थोड़ा सा रियलिस्टिक तो दिखा देते, बट ये देखेंगे खेरी मिनटी से रहा नहीं गए, कहा कि मैं तो इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। सो ये थी वीडियो, इंडिया वालों को भी थोड़ा दिखाया गया था, वो तो बिल्कुल अपने साथ स्प्रिट लेके नहीं जा रहे, उसको आग लगा दी। वाह भाई क्या बात है, मतलब ये दिन हम देख रहे हैं, इस दिन क्या सीन है, जा ही क्यों रहे हो अगर वहाँ पे कोई चीज है, जा ही क्यों रहे हो आप। वो लोग खुद को दिलेर साबित कर रहे थे यहाँ पे तो कोई, और ऊपर से क्या हो रही थी, डीलिंग किस पैसों में हो रही थी, वो कह रहे 50 पैसों के बाद आ गई एक भैंस, आ गई एक भैंस नहीं थी एक बकरा हो गए तो फिर आ गए, मतलब ये ऐसे दिन हम देख रहे हैं आजकल, ऐसे ऐसे लोग भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, पता नहीं लोग कैसे देखते हैं इस तरह की वीडियो। सो ये थी वीडियो खेरी मराठी एक बार फिर से आ गया, सोशल मीडिया शेयर करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, साथ में जो बेल आइकन दबा दीजिए, सपोर्ट मिल रहा है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।